उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने बैंक खाते को हैक कर 30 लाख की रकम उड़ाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, चंपावत निवासी ने पुलिस से साइबर क्राइम की शिकायत की थी, जिसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक प्लान तैयार किया और आठ ठगी के मास्टरमाइंड अनिकेत चक्रवर्ती को कोलकाता से धर दबोचा। हाँ, इसमें हमारे पीड़ित वादी थे, इसमें चंपावत के निवासी हैं। इनके द्वारा मुकदमा लिखाया गया था कि इनके 30 लाख रुपए इनके अकाउंट से, जो इनका बिजनेस अकाउंट था, इसमें रातों रात शनिवार की रात को ही पिछले साल जो है इसमें अकाउंट खाली हो गया, जबकि इनके द्वारा कोई इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही कोई इनके पास अलर्ट मैसेज आया था उस समय। इस पर जानकारी करने पर पता चला कि यह बंगाल और उधर बिहार में ये पैसे का विड्रॉल हुआ और एटीएम से ही एक साथ ही इसमें 5-5 लाख रुपए करके कुछ एटीएम से पैसे निकाले गए। इस पर यहाँ मुकदमा साइबर पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया गया था और इसमें टीम बनाकर पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों पर भेजा गया था, जिसमें एसटीएफ और साइबर पुलिस ने वहाँ पर अनिकेत चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो उसका मेन मास्टरमाइंड था, जो इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए इस तरह की धोखाधड़ी कर रहा था। उसके साथ ही अन्य सदस्यों का भी पता चला, जिसमें एक महिला का भी नाम आया है, तो पुलिस टीम अभी वहीं पर है और इसमें एक की गिरफ्तारी की गई है। उससे जो भी अकाउंट डिटेल थे, जिन फ़ोन नंबरों से ये सारा हैकिंग की गई थी, वो भी उससे बरामद किया गया है। इसमें बाकी विस्तृत पूछताछ चल रही है। टीम के वापस आने के बाद अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।